नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति अग्निहोत्री। आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम अब तक में। नोटबंदी के 42 दिन बाद एक बार फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा दिलाया कि आरबीआई के पास नकदी की कोई कमी नहीं है और लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अरुण जेटली ने ई पेमेंट अपनाने वाले छोटे और मझोले कारोबारियों को लेकर छूट का ऐलान किया। डिजिटल लेन देन अपनाने वाले कारोबारियों को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ के कारोबार में 12 लाख आय मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब 8% की जगह 6% ही अनुमानित आय मानी जाएगी। नए साल और नई महीने की आमद के बीच पैसों की किल्लत को लेकर जेटली ने कहा, हम तैयार हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जब आरबीआई पर्याप्त कैश बैंकों को नहीं दे रहा है। नकदी की कमी खत्म होने की बात करते हुए जेटली ने कहा कि नोटबंदी के वक्त बाजार में 18 लाख करोड़ रुपए थे, जिनमें 15,44,000 करोड़ के नोट बंद किए गए। हालांकि कुछ छपे हुए नोट 23 लाख करोड़ थे। विधानसभा में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन त्रिपुरा विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। वन मंत्री नरेश जमातिया के इस्तीफे की मांग को लेकर त्रिपुरा विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसके बाद टीएमसी विधायक स्पीकर के पास रखा सामान लेकर भाग निकले और उनके पीछे बाकी विधायक भी दौड़ पड़े। दरअसल शून्यकाल के दौरान तृणमूल विधायक विपक्ष के पूर्व नेता सुदीप राय वर्मन ने एक बांग्ला अखबार में प्रकाशित मुद्दे को उठाया। इसके बाद जमातिया खड़े हो गए और अखबार में प्रकाशित खबर को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि उनकी छवि खराब करने की साजिश की जा रही है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने अखबार के खिलाफ अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पन्नीर सेल्वम पीएम मोदी से मिले और तमिलनाडु में आए वर्धा चक्रवात को लेकर 1,000 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पन्नीर सेल्वम पीएम मोदी से मिले और उन्होंने केंद्र से दिवंगत जय जयललिता को भारत रत्न से सम्मानित करने की भी अपील की। मोदी को दिए एक ज्ञापन में मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 दिसंबर को आए चक्रवात के बाद पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए राज्य को पैसों की जरूरत होगी। पन्नीर सेल्वम ने मोदी से मिलने के बाद संवाददाताओं से कहा, हमने केंद्र से तत्काल 1,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी करने का अनुरोध किया। पन्नीर सेल्वम ने साथ ही कहा, मैंने प्रधानमंत्री से अम्मा की सेवाओं और कल्याणकारी नीतियों का संज्ञान लेने और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का अनुरोध किया। सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पठानकोट एयरबेस में हुए आतंकी हमले में चार्जशीट फाइल की है। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के आकाओं ने अप्रैल 2014 में पठानकोट हमले का प्लान बनाया गया था। इसके लिए आतंकियों ने बाकायदा गूगल मैप की मदद ली थी। एनआईए ने बताया है कि आतंकवादियों ने इस हमले का कोड नाम निकाह रखा था। पठानकोट आए हमलावरों को बाराती का नाम दिया गया था। एनआईए की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में मुख्य आरोपी जैश ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर को बताया गया है। इसके अलावा इस चार्जशीट में मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, डिप्टी चीफ शाहिद लतीफ और लॉन्चिंग हैंडलर काशिफ जॉन के भी नाम है। एनआईए ने जो जानकारी दी है वो काफी चौंकाने वाली। हमले के दौरान काशिफ जॉन और उसके सहयोगियों के बीच फेसबुक पर लगातार चैटिंग हो रही थी और भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद वे एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। एनआईए के पास इस चैट का ब्यौरा है। इसमें इकबाल नाम के एक शख्स ने लिखा, क्या कैफियत है, क्या नजारे हैं, बहुत ही उम्दा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि नोटबंदी के प्रभाव से जनता फकीर हो गई है। मोदी सरकार इस बात को समझ ही नहीं पा रही है। ममता ने सोमवार को बांकुड़ा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वेनेजुएला सरकार ने अपनी जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए नोटबंदी का फैसला वापस ले लिया है, लेकिन यहाँ मोदी सरकार इस मुद्दे पर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार गूंगी बहरी हो गई है, देश के आम लोग भी परेशानी समझ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को किसी की परेशानी समझ में नहीं आ रही। जब देश के लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे तब प्रधानमंत्री समस्या को समझकर क्या करेंगे। आज लोग अपना पैसा बैंक से नहीं निकाल पा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या जनता का पैसा सुरक्षित है। ममता ने कहा कि मोदी खुद को चुनाव के समय चाय वाला बताकर सत्ता में आए। प्रधानमंत्री बनने की बात वह पेटीएम वाले करोड़पति बन गए हैं और फकीर होने का नाटक कर रहे हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए समाचार टाइम 24।